तो फाइनली दोस्तों अपना जो है वाटर पंप से दोस्तों गैस सिलेंडर का जो इस्तेमाल किया दोस्तों उससे पानी पूरा निकल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कि वाटर पंप चल रहा है, इसमें हल्के हल्के फब्बारे भी आपको देखने को लग रहे होंगे। और ये रहा दोस्तों अपना पाइप जो कि जा रहा है खेतों में। आप देखिए दोस्तों कितना अच्छे तरीके से पूरा पानी फेंक रहा है खेतों में, और देखिए पूरा वीडियो आपको तब मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा कैसा सिस्टम है कैसा सिस्टम नहीं है। ये रहा दोस्तों वाटर पंप जो कि साइकिल पर लदा हुआ है दोस्तों, और गैस सिलेंडर उसके अंदर है। तो ये देख सकते हैं साइकिल पर लदा हुआ है और आपको दिखाता हूँ अभी। और स्वागत है मित्र जनों, कैसे हो आप। और ये रहे दोस्तों हमारी खेती बाड़ी जो कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, पूरा शीत पूरा लगा हुआ है। सुबह सुबह दोस्तों सूरज भी चमक रहा है पूरा एकदम, और खेत की हरियाली आप देख सकते हैं दोस्तों की कितना जबरदस्त लग रहा होगा देखकर आपको। और ये रहा दोस्तों डीजल मशीन, और उसके अंदर आपको हम दिखाते हैं कैसा है सब कुछ। खेत में पानी भर रहे हैं वाटर पंप और गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो कि इनारे में से पानी निकाला हम लोगों ने और उसके बाद वाटर पंप में डाले, क्योंकि वो जो बोर है बहुत पुराना है तो इसके वजह से दोस्तों उसमें पानी डालना पड़ता है। वो 10-15 मिनट लेता है, टाइम लेता है, उसके बाद ही पानी आ पाता है। तो ये रहा दोस्तों लोकेशन, और इसी में पूरा पानी डालना है। और वाटर पंप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन के साथ प्रेस कर दीजिएगा विलेज लाइफ स्टाइल और फार्मिंग लाइफ स्टाइल और डेली ब्लॉग्स के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ, और देखिए पूरा वीडियो, काफी ज्यादा मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते दोस्तों बाल्टी के साथ, क्योंकि हमको पानी लेना होगा तो कुएं से। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ कुएं के पास, जो कि हम लोग का बहुत पुराना कुआं है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए सीत उत सब लगा हुआ है दोस्तों धान की खेती। और ये रहा दोस्तों 10 लीटर की बाल्टी, और इसी बाल्टी से दोस्तों हम पानी निकालेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से दोस्तों हम कुएं में से पानी निकाल रहे हैं। बाकी देख सकते हैं कि ये पूरा जो है डब्बा 20 लीटर का नहीं है, 10 लीटर का डब्बा है। अब इसी से हम पानी भरेंगे साथ साथ और उस वाले कुएं में। तो चलिए लेके चलता हूं दोस्तों आपको कुएं के पास, जो कि कुआं है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों रास्ता, और ये रहा दोस्तों धान। ये देखिए दोस्तों धान अब धीरे धीरे फर रहा है, इसमें से दोस्तों निकल रहा है धान। और ये रहा दोस्तों कुआं अपना, जो कि बहुत पुराना कुआं दोस्तों। आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे दोस्तों मैं पानी निकालूंगा। और दोस्तों जो बोर है ना, बोर अपना बहुत पुराना हो चुका है, इसी वजह से दोस्तों हम लोग को पानी की जब जरूरत पड़ता है तो इसी से दोस्तों हम पानी निकाल कर दोस्तों अपना वाटर पंप को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों अपना पुराना कुआं, और बाल्टी के रखते हैं साइड में, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही पुराना कुआं है आप देख सकते हैं दोस्तों। और उसमें दोस्तों मेढक भी पड़ा है, तो आपको मेढक भी दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये कुआं है, ऐसे कुएं से हम पानी निकालेंगे उस वाटर पंप में डालने के लिए, क्योंकि पानी नहीं है इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग पानी का। तो ये रहा बाल्टी और ये रहा ये कुआं। तो ये रहा दोस्तों, ये देखिए आपको लेकर चल रहा नज़दीक से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए बेचारे इस मेढक से पड़ा हुआ है, ये देखिए कितना बड़ा मेढक है इसमें। तो इसमें मेढक मच्छी वच्छी सब रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। कभी कभी सांप भी रहते हैं, तो इसे कोई डर नहीं रहता है, सांप तो निकल कर चला जाता है, लेकिन बेचारा मेढक इसमें फंसा हुआ है। तो ये देखिए भाई साहब, इसको घास भी फेंक रहा हूँ तभी नहीं भाग रहा है ये, क्योंकि ये जिंदा है। देखिए फिर घास फेंक रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं भाग रहा है ये बेचारा। कुएं से दोस्तों पानी निकाल चुके हैं, दो डब्बा, एक 20 लीटर का डब्बा, एक 10 लीटर का डब्बा, यानी 30 लीटर निकाल चुके हैं। और ये दोस्तों हमारी खेती बाड़ी है, तो आपको ये देखकर आपको मालूम पड़ रहा होगा अभी जितने सब खेत में हैं सब में पानी डालना है, क्योंकि पानी डालना बहुत जरूरी है। और पानी हमने निकाल चुका है इसमें से, इस वाले कुएं में से, जो कि देख सकते हो आप इसमें पानी है। अब डालते हैं, वाटर पंप में, क्योंकि उसका जो बोर है पुराना है, तो इसके वजह से उसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए भाई साहब, यही है धान,
ये देख सकते हैं भाई साहब, ये धान है। अब धान जो है निकल रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए धान अब फूट रहा है, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, पानी में भरना बहुत ज़रूरी है। और ये देख लीजिए भाई साहब, ये पूरा धान हो चुका है, तो इसको ज़रूरत है अभी पानी की। तो पानी नहीं रहेगा तो फिर कैसे हो पाएगा, अच्छे से पैदावार कैसे निकल पाएगा। अब दोस्तों चलते हैं दोस्तों डीजल मशीन की तरफ, वाटर पंप जो हमने दोस्तों गैस सिलेंडर चला रहे हैं उसको तरफ चल रहे हैं, और आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे दोस्तों हम गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करके जो है यानी वाटर पंप को चला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलता हूं दोस्तों गैस सिलेंडर वाटर पंप के साथ, जो कि हम ऑलरेडी दोस्तों देसी जुगाड़ यानी विलेज लाइफ वाला सब कुछ आपको दिखा रहे हैं कि देसी जुगाड़ कैसे काम किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारी खेती बाड़ी है और धान का सीजन चल रहा है दोस्तों, तो पानी देना आवश्यकता है इसमें, और पानी नहीं देंगे तो सिर्फ गड़बड़ हो जाएगा तब। तो आप जानते हैं दोस्तों कि धान में बहुत सारा पानी लगता है, तो इसी की वजह से दोस्तों हम लोग धान की व्यवस्था के लिए यानी पानी के लिए दोस्तों ये पूरा इसका अंदर का सीन है दोस्तों, इसी के अंदर दोस्तों हम लोग वाटर पंप को फिट किए हुए, छोटा वाटर पंप। और ये रहा दोस्तों गैस सिलेंडर, आप देख सकते हैं दोस्तों गैस सिलेंडर है और यहाँ पर देखिए वाटर पंप है, तो इसका दोस्तों हम लोग सेटअप कर रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों वाल लगा हुआ, वाल आप वाल जानते होंगे दोस्तों, और ये जो घरों रेसों में इस्तेमाल होता है दोस्तों, आपके घरों में इस्तेमाल होता होगा जरूर ये गैस सिलेंडर जो खाना पकाते हैं। और ये रहा दोस्तों डीजल मशीन जो दमकल्ला बोलते हैं हमारे इधर, तो दमकल्ले के सहारे से दोस्तों यानी इसको कन्वर्ट किया गया है। इसको दोस्तों मैंने दो तीन वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है और पाइप अब सब फिटिंग हो चुका है दोस्तों, बस इसको देरी है दोस्तों अब चालू होने की, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, इसमें दोस्तों चालू करने की देरी है। और इसको अच्छे तरीके से फिटिंग करके दोस्तों, ताकि कहीं सांस ना ले सके, इसको अच्छे तरीके से फिट करना होता है। ये देखिए इसको बोर है बोर, और इसको अगर अच्छे से फिट नहीं करेंगे दोस्तों सांस नहीं ले पाए, मतलब सांस लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब, तो इसको दोस्तों सांस नहीं लेना चाहिए। और ये दोस्तों हम लोग का जो बोर है ना, बोर बहुत पुराना बोर है दोस्तों, इससे दोस्तों थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी देख सकते हैं दोस्तों कि इंडियन गैस है, और ये दोस्तों हम लोग फिट कर रखा है रेगुलेटर के सहारे से, और ऊपर का जो वाल होता है दोस्तों, वाल उसको वाल बोलते हैं, जो आपको सिल्वर का टाइप दिख रहा होगा वाल है, तो इसको जो है अच्छी तरीके से दोस्तों इसको अपना फिट कर रखा है, ताकि जो है चालू होने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे दोस्तों डीजल में चलता है, पेट्रोल चलता है, ये भी चल सकता है, लेकिन इसको अपना देसी जुगाड़ लगाते हुए दोस्तों हम लोगों ने सोचा कि चलो यार गैस सिलेंडर से ही पानी भरते हैं खेत में धान पानी। तो ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों कि पानी चल रहा है दोस्तों, और ये रहा दोस्तों, तो कैसा लग रहा दोस्तों हमारा देसी लाइफ स्टाइल, आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं मालूम पड़ रहा है, मतलब देखकर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है दोस्तों। आप देख लीजिए पूरा जूम कर दिया हूँ दोस्तों, ये वाल है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पानी वाटर पंप, और ये रहा दोस्तों इसका रेगुलेटर, और ये रहा दोस्तों गैस सिलेंडर। तो ये रहा दोस्तों पूरा काम चल रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा कभी कभी दोस्तों कैसा होता है कि इसको थोड़ा पानी भी थोड़ा ऊपर से देना पड़ता है, ताकि सांस न ले पाए, और सांस लेगा तो पानी नहीं दे पाएगा ठीक से, क्योंकि पुराना बोर है दोस्तों, 120 फीट गहरा है ये, तो आप जानते हैं दोस्तों कि पानी छोड़ देता होगा, और हमारे तो दोस्तों अक्सर पानी छोड़ ही देता है, क्योंकि इसका तो पानी थोड़ा खारा है। आप देख सकते हैं कि पानी पूरा खारा है, आप कैसे देख पाएंगे दोस्तों, लेकिन हमको मालूम है दोस्तों ये पानी थोड़ा नमक टाइप लगता है, इसके वजह से दोस्तों थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नहीं तो करना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हम दोस्तों 10 से 15 मिनट तक इसका टाइम लेता है दोस्तों चालू होने में, स्टार्ट होने में, इसी वजह से दोस्तों थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी आप देख लीजिए इसको, अगर आप भी कभी दोस्तों ऐसा काम करना होगा, अगर आपको भी दोस्तों गैस सिलेंडर से पानी भरना होगा, तो ये आप जरूर अप्लाई करिएगा दोस्तों, कभी कन्वर्ट करा लीजिएगा, फायदा रहेगा बहुत आपको। जो है बढ़ चुका है और इस सिक्के पे आ गया धान, इसमें पानी डालना बहुत जरूरी है, तो इसी में हम दोस्तों पानी डालेंगे वाटर पंप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करके, गैस सिलेंडर प्लस वाटर पंप उसका हम लोग कन्वर्ट किए हैं, जो कि हालांकि मैंने 3 वीडियो में बता चुका हूँ, ये चौथा वीडियो होगा शायद, तो इसी में हम लोग पानी डालेंगे खेत में भी। और गेहूं का मैंने ऑलरेडी इसमें पानी भर चुके हैं पहले का, लेकिन धान की बारी है तो धान का पानी डालेंगे हम,
गैस सिलेंडर प्लस वाटर पंप। तो देख सकते हैं कि पूरा ये धान है और धान अब फरने के कगार पर है। बाकी देखिए ये चरी है और इस साइकिल से हम लोग लगे थे वाटर पंप को। और यहाँ पे चरी दोस्तों ये देखिए बढ़ चुका है ये पूरा एकदम, और इस वाले खेत में पूरा पानी डालना है। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा और नज़दीक तक। आपने देखा दोस्तों कि इसी को मैंने इस्तेमाल किया था धान में, जो कि तूफान का था, जो कीटनाशक दवा था दोस्तों, तूफान मोनोजिंक था, यही था। तो इसका तो ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखिए धान जो है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। चलिए आपको थोड़ा ये वाला दिखाता हूँ धान कि कितना ज़बरदस्त धान हो रहा है अभी। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों, अभी देखिए ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो पूरा शीत लगा हुआ है एकदम, ये देख रहे हैं ना पूरा शीत लगा हुआ है एकदम इसके ऊपर। अभी आपको देख कर लग रहा होगा पूरा शीत ही शीत है। और ये रहा दोस्तों ये धान, ये देख रहे हैं ना पूरा धान है। अब ये पूरा धान, इसको ज़रूरत है पानी की और पानी की आवश्यकता है, जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों इसको पानी की आवश्यकता है। इसमें पानी नहीं है, ये देख सकते हो आप, इसमें पानी ही नहीं है। अब ये पूरा जो है तब जाके धान अच्छे से हो पाएगा और इसकी ग्रोथिंग अच्छी हो पाएगी, क्योंकि धान को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है तभी जाके धान अच्छे से हो पाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें देखिए पूरा है, देखिए ये जो शीत है ना शीत, ये पे देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये शीत है। अब इसमें शीत लग रहा है तो इसको ज़रूरत है पानी की, ये पूरा आप देख सकते हो इसको पानी की ज़रूरत है, आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। तो आपने देखा दोस्तों कुछ टाइम पहले हम लोगों ने खाद का इस्तेमाल किया था, यूरिया जिंक, यानी कि सारे खेतों में पानी देना है, सभी खेतों में पानी देना है। तो लगभग 6-7-8-8 घंटे तक हम लोग पानी देंगे इसमें, हर एक खेत में, एक एक बीघे में, ताकि वो धान को पकड़ ले, उसके बाद जो है अच्छे से धान की पैदावार हो सके और धान की ग्रोथ अच्छी से हो पाए। काम के साथ साथ आराम भी करना ज़रूरी है, खेतीबाड़ी में बहुत थकान होती है काम करते करते, उसके बाद थोड़ा आराम और रिलैक्स की ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा। टाटा बाय बाय।